मैंने भी सोशल मीडिया में देखा, जिला आबकारी अधिकारी रंगसाई साहब का फोटो लापता और 2100 रुपये इनाम रखा गया है, सोशल मीडिया पे देखा था। तो वास्तव में कि जो आबकारी जिला अधिकारी है, मैं कई दिनों से पेपर में भी पढ़ते आया कि जिला अधिकारी इंदौर से यहाँ पे चलाता है और वहीं से पूरी फाइलिंग जो भी डीलिंग वगैरह वहाँ से ही होती है और करीब 5-6 महीने से यहाँ रहता ही नहीं हेडक्वार्टर पे, और ना टीएल की बैठक में, ना मुख्यमंत्री जी की वीसी में, कई ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंगों में नहीं आता और वहीं से चलाता है। और आज अलीराजपुर ज़िले में शराब माफियों का इतना हौसला बुलंद है, जो कि बाहर से दारू कुक्सी चंडीगढ़ हरियाणा कई से माल आता है और सीधा गुजरात निकल जाता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ नानपुर में भी अवैध शराब पकड़ी गई, लेकिन आबकारी जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय और रंगसाई पूरा मौन बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराब माफिया को पकड़ना चाहिए, लेकिन ना मुख्यमंत्री की सुन रहे, सिर्फ उनका कमीशन के चक्कर में यहाँ हजारों की तादाद में पेटियाँ निकलती है गुजरात, जो कि एक खुलेआम मतलब दारू निकल रही है, चाहे वालपुर तरफ से, चाहे नानपुर रोड से। तो पुलिस भी उसमें मिलीभगत है, आबकारी पूरी मिलीभगत है, कलेक्टर भी मिलीभगत है, जो कि अभी कई ऐसी घटना भी हो सकती है जो कि नकली शराब भी जा रही है। अभी कुछ दिनों आंबा थाने में भी नकली फैक्ट्री पकड़ी थी। ये किसकी जवाबदारी है? आबकारी की जवाबदारी, रंगशाही की जवाबदारी है, जो कि पूरा अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसको तत्काल बर्खास्त करके यहाँ एक दमंग अधिकारी को पहुँचाए, ताकि अलीराजपुर में आदिवासी भोले भाले को जो नकली शराब जो बन रही है और आबकारी कुछ भी नहीं कर रही है, यहाँ के अधिकारी सिर्फ लिपापोती कर देते हैं, पैसे खा जाते हैं ठेकेदारों से और अवैध धंधा चल रहा है। अगर अधिकारी को अगर ढूंढने मतलब आम जनता ढूंढ रही है कि 2100 रुपये, तो मैं भी दे दूंगा 2100 रुपये, तो रंग मतलब जो भी रंगसाई को ढूंढेंगे और यहाँ अच्छा काम करे, पकड़ के लाई या उसको कलेक्टर के सामने पेश करे, तो 2100 रुपये हम भी दे देंगे।